गाइस लास्ट वीक मैंने इंस्टाग्राम को एक्सप्लोर किया था, एक दोस्त का अकाउंट एक्सप्लोर किया था, बहुत सारी चीज़ें निकाली थी उसमें से। आज ट्विटर की बारी है। जो मैं टूल यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है ट्विंट, ट्विटर इंटेलिजेंस। गाइज इट्स नॉट अ हैक अगेन। पिछली वीडियो की तरह इंस्टाग्राम में भी मैंने यही बताया था कि एक्चुअली वी आर नॉट हैकिंग एनीवन। हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होती है वो हम लोग निकाल लेते होते हैं विद हेल्प ऑफ द टूल्स। तो पिछली वीडियो में, इंस्टाग्राम की वीडियो में, आप लोगों को पता है कि मैंने एक फेक अकाउंट बनाया था इंस्टाग्राम का, उसके थ्रू हम लोगों ने एक्सप्लॉइट किया था। लेकिन ट्विंट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्विंट के केस में हमें सिर्फ इंस्टॉलेशन करनी है, रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सब मेट करनी है, एंड दैट्स इट, वी आर गुड टू गो। इस वीडियो में हम लोग पहले ट्विंट की इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, उसके बाद फिर एक्सप्लॉइट्स करेंगे कि हम लोग क्या क्या कुछ इस टूल की मदद से कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स पाइथन 3.6, पिप और एक एडिशनल टूल है जिसका नाम है पिप ENV। हम लोगों को ये तीनों चीज़ें इंस्टॉल करनी चाहिए, और उसके अलावा इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि हम लोगों को एक रिक्वायरमेंट्स के फोल्डर में पड़ा हुआ है, वो हम लोगों ने सिंपली इंस्टॉल करना है। दैट्स इट। आप लोगों को मैं सब कुछ दिखा भी देता हूँ। इट्स वेरी इजी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूँ गाइज, इस टूल को किसी ऐसे बंदे के लिए यूज़ नहीं कीजिएगा जिसके अकाउंट की परमिशन आप लोगों के पास ना हो। डोंट पुट योरसेल्फ इन ट्रबल। ऐसे हम कुछ करने वाले नहीं हैं, बट फिर भी इसको एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड मैं यूबंटू यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में भी। आप लोग काली लिनक्स यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप जो है ना लिनक्स की कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, पैरट वगैरह टेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो सब कुछ आप लोगों के पास कमांड्स वगैरह सब कुछ सेम रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं। फायरफॉक्स में जाते हैं, वहाँ पर टाइप करते हैं ट्विंट एंड देन गिटहब। उसके बाद जो भी आपके पास पहले लिंक होगा जब क्लिक कर लें उसके ऊपर, ये आपके पास जो है ये टूल आ चुका है गाइस। इसको थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं नीचे आके, ये इंटेलिजेंस के बारे में क्या क्या, ये इसका बेसिकली एक ग्राफिकल इंटरफेस भी आने वाला है। आई होप कि वो आएगा तो मैं आप लोगों को उसका भी रिव्यू दूंगा। सबसे नीचे आते हैं, थोड़ा सा रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को ये नज़र आ रही होंगी इस वक्त, पाइथन 3.6 और ये उसकी कुछ बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं। इंस्टॉलेशन के लिए भी आपके पास सब कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। आप लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग टाइप कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। मैं टाइम सेव करने के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फ़ौरन से, कॉपी एंड आला ओपन अपर टर्मिनल। उसके बाद टाइप करता हूँ सूडो सू, हियर वी गो, क्लियर कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा हूँ। सिंपली जो मैंने कॉपी किया कमांड उसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, हियर वी गो। चलें ls करते हैं। अब एक काम करते हैं, सीडी डॉट डॉट आपको पहले दिखा दूँ डायरेक्टरी की, आप लोगों को ये वो देखें ट्विंट मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। ओके, ये ओसन ग्राम है पिछली वीडियो में जो मैंने कवर किया था। इसमें भी मैं जाता हूँ सीडी ट्विंट अगेन, क्लिक करता हूँ, ls करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है। तो पहले तो गाइस इंस्टॉलेशन ट्विंट की ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास होगी ये जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम लोगों ने इंस्टॉल करना है। अगेन मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करूँगा इसको, आप राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आगे आके भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एनीवे क्लिक करते हैं एंड पेस्ट इंस्टॉल। मेक श्योर कीजिएगा कि requirement.txt आपके फोल्डर में मौजूद हो, तभी ये रिक्वायरमेंट्स की सारी फाइल जो हैं वो इंस्टॉल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास इंस्टॉलेशन होगी पिप 3 की। मैं इसको टाइप कर लेता हूँ पिप 3 इंस्टॉल ट्विंट, और यहाँ पे पिप 2 बन लिखती है। वेरी नाइस। ओके, ये पिप 3 भी मेरे पास इंस्टॉलेशन इसकी हो चुकी है। ओके, तो गाइस लास्ट जो हमारे पास कमांड है पिप इंस्टॉल करने के लिए, पिप ENV इंस्टॉल करने के लिए, वो ये है पिप ENV इंस्टॉल, और ये आ गया इसके पास, मेरे पास ये पूरा लिंक है। तो लेकिन इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग ये भी टाइप कर सकते हैं apt dash care install pip ENV। ये इंस्टॉल कर लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो इट विल टेक थोड़ा सा टाइम ले लेगा, और आपके पास इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। गाइस मेरे पास प्री रिक्विजिट्स हैं वो बिल्कुल इंस्टॉल हो चुकी हैं, नाउ वी आर रेडी टू रोल। सबसे पहले भी क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे मुझे कोई पाइथन की फाइल एग्जीक्यूट करनी नहीं होती है, सिंपल आप लोगों ने कमांड देनी है ट्विंट, और उसके बाद देना है ट्विंट डैश यू, यू स्टैंड फॉर यूज़र नेम, और उसके बाद जिस बंदे को भी आप लोगों ने टारगेट करना है वो है। तो मेरे केस में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है दुबिजल्ट, और जैसे मैं एंटर करूँगा गाइस उसके सारे ट्वीट्स मेरे पास नज़र आ जाएंगी। इसके बाद आपको बताता हूँ कि मज़ीद क्या कर सकते हैं। मैं इसको बड़ा भी कर लेता हूँ ताकि कुछ हम लोगों को नज़र आए, क्लिक करता हूँ, ये देखो आपके पास ये देखें उसकी जितने भी ट्वीट्स हैं उस बंदे की, वो सब आपके पास यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पे इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, सो आप यूँ भी कर सकते हैं कि इसको हम ग्रेटर साइन का वो देके कमांड देके उसके बाद मैं कहीं पे इसको सेव कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल किसी फाइल में। तो ट्वीट्स
.txt फॉर एग्जांपल एंटर करता हूँ, तो गाइस जितने भी आपके पास इसके ट्वीट्स हैं वो सब आपके पास एक फाइल में आ चुकी हैं। इसको देख लेते हैं, ls करता हूँ। ls करने के बाद ये देखें आप लोगों के पास एक tweets.txt का फोल्डर जो एक फाइल है वो नज़र आ रही है। इसको मैं कर लेता हूँ नैनो tweets.txt, एंटर करता हूँ। ये देखें ये थोड़ा सा प्रॉपरली मैनेज्ड है। यहाँ पे आपके पास उसका आईडी वगैरह है, ये उसकी डेट्स हैं, किसने ट्वीट किया हुआ है, किसको किया है, वो सब के पास आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आ जाती है। इसको मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। अब गाइस ये जो ट्वीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अभी कहाँ पे यार इसको कौन सारा इसे पढ़ता रहेगा। अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे ऐसे लगता है कि वो लास्ट 20 या मतलब वो इतनी दूर नहीं था, मतलब जो मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है इस बंदे से, तो मैं यूँ भी कर सकता हूँ कि सेम कमांड देता हूँ -u एंड अगेन डिबिजल्ड एंड उसके बाद #, लिमिट और 20। मुझे सिर्फ लास्ट 20 ट्वीट्स देखने हैं, उसके लिए ये कमांड होगी। सिंपली आप लोगों ने इसको क्लिक कर देना है एंड यू विल हैव द लास्ट 20 ट्वीट्स ऑफ हिम। ये देखें द ओनली थिंग रवि शास्त्री, क्या बात है, क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन है जो जिस बंदे को हम लोग इस वक्त टारगेट करके बैठे हैं। तो इसको मैं अगेन क्लियर कर लेता हूँ। गैस इसके साथ मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसके ऐसे ट्वीट्स निकाल सकता हूँ जिसमें कम से कम 5 लाइक्स हों या फिर 2 लाइक्स हों, मतलब ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि इसकी कौन सा जो ट्वीट है वो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है। जब भी किसी बंदे को आप लोग एक्सप्लोर करते हैं तो आप लोगों को ये सब चीज़ें जो है ना इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं टू गेट अ बेटर आइडिया अबाउट दैट यू नो टारगेट। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि यही सेम कमांड दूंगा, डिविजन लिमिट 20 को हटा के यहाँ पे -- मिनिमम -, लाइक्स और 4 फॉर एग्जांपल। तो इसमें से मुझे वो ट्वीट दिखाएगा भी जिसको कम से कम जो है ना 4 लाइक मिले हुए हों। तो मेरे पास इस वक्त एक ही या आई अग्री विद यू होल हार्टेडली बट अ लॉट डिपेंड्स ऑन द अपोजिशन एटीट्यूड ऑल्सो। ये कोई पॉलिटिक्स का मेरे ख्याल में कुछ है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन इस ट्वीट को कम से कम 4 लाइक मिले हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, 5-6 कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा एक ऐसा इसका ट्वीट है जो कि ज़्यादा फेमस हुआ है, लोगों ने पसंद किया है। मज़ीद क्या कर सकता हूँ, क्लियर करते हैं इसको। इसके साथ गाइस मैं एक चीज़ भी हम लोग इसको देख सकते हैं कि ऐसी ट्वीट्स मुझे दिखाओ जो कि किसी एक स्पेसिफिक साल से पहले पहले उसने की थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कमांड दूंगा सेम ट्वेंट -u और डिविजल्ड और उसके बाद -- ईयर कर लेता हूँ ईयर, और अगर मैं कहता हूँ कि 2014 से पहले पहले की मुझे इसकी ट्वीट्स दिखा दो, तो इसमें 2014, 2013, 12 उससे पहले अगर इसका अकाउंट होगा तो वो सारी ट्वीट्स आ जाएंगी। तो मैं फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ 2014, ये क्लिक करता हूँ और आ जानी चाहिए सारी ट्वीट्स सभी को। यहाँ पे देखें 2011, 2012 और नीचे 2010 है आपके पास, 2010 से इसका अकाउंट है, बहुत पुराना है यार। और 2012 ये भी गो, 2023 ट्वीट्स हैं आपके पास। तो ये गाइस आपके पास एक और चीज़ है कि हम लोग एक स्पेसिफिक ईयर या उस ईयर से पहले पहले की ट्वीट्स भी हम लोग यहाँ से इसको फिल्टर कर सकते हैं। अगेन ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग वो करने के बाद निकालने के बाद अब इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो है एक्सपोर्ट करने के बाद किसी एक फाइल में डाल दें, उसके बाद आप लोग विंडोज़ में यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं व्हाट्सएप, वो एक सारी चीज़ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। इसका हम लोग ईमेल भी निकाल सकते हैं गाइस, सेम अगेन ट्वेंट -u डिविजल अगेन उसका यूज़र नेम एंड देन -- ईमेल। अगर इस बंदे ने ईमेल स्पेसिफाई किया होगा तो मुझे इसकी ईमेल्स की डिटेल आ जानी चाहिए एंड ये भी को यस आ गई हैं, शिवाशीष उसका नाम है, सो शिवाशीष बनर्जी @gmail.com। दिस इज़ हाउ यू विल गेट द ईमेल इन्फॉर्मेशन। अगर उस बंदे किसी भी जिसको भी आप लोग टारगेट करें वहाँ से आप लोग ईमेल्स की भी डिटेल ले सकते हैं, फ़ोन की भी डिटेल ले सकते हैं गाइस। ऑल सिंपली यू हैव टू डू इज ईमेल को मिटा के फ़ोन लिख दीजिएगा एंड यू विल गेट द फ़ोन डिटेल्स ऑल्सो, सिंपल। मजीद इस टारगेट के बारे में गाइस जानने के लिए मैं कुछ एक दो और कमांड दूंगा, ट्वेंट -u और उसके बाद अगेन सेम उसका यूज़र नेम एंड -- फॉलोअर्स करूंगा तो जो इसके फॉलोअर्स हैं उन सब की डिटेल्स आ जाएगी मेरे पास। और अगर मैं फॉलोइंग करता हूँ गाइस तो जिस जिसको ये फॉलो करता है उसकी डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगी। और इंस्टाग्राम में भी सारी चीज़ हम लोगों ने निकाल ली थी, तो ट्विटर में हम लोग इस तरह निकालेंगे गाइस। मजीद इसके साथ मैं एक और काम ये करूँगा कि इसके जितने भी ट्वीट्स होंगे जिसमें इसने इमेजेस लगाई हुई हैं वो इमेजेस की जो ट्वीट्स हैं वो मुझे फॉर एग्जांपल अगर चाहिए होंगे तो अगेन मैं ट्वेंट -u करूँगा एंड अगेन उसका यूज़र नेम ये टाइप करूँगा गाइस। उसके बाद मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ 2021 एंड देन अगेन -- इमेजेस। ये कमांड मुझे क्या करेगा कि इसने जितने भी ट्वीट्स दिए होंगे जिसके साथ इमेजेस होंगे उन सब की लिस्ट मेरे पास आ जानी चाहिए। ओके तो ये मेरे पास आ गई हैं गाइस। फॉर एग्जांपल अभी देखें यहाँ पे मेरे पास एक लिंक है
इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास स्ट्रेट ट्विटर में लेके जाएगा और ट्विटर से मुझे वो स्पेसिफिक ट्वीट पता चल जाएगा जिसमें इसने इमेज डाली हुई थी। देयर वी गो, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी। ही सो मच इनटू क्रिकेट गाइस, बहुत ज़्यादा क्रिकेट के जो है ना, बहुत बड़ा क्रिकेट का फ़ैन है। एक काम करते हैं, एक छोटा सा एक और इसके साथ जो है ना एक गेम खेलते हैं। एक कमांड देता हूँ गाइस अगेन, ट्विंट डैश यू डिविजल्ट, एंड उसके बाद कमांड देता हूँ गाइस डैश एस, और मैं कहता हूँ कि इसके ट्वीट्स के अंदर विराट फॉर एग्जांपल, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन है क्रिकेट का, तो विराट के बारे में अगर इसने कोई ट्वीट किया होगा तो मैं वो देखना चाहता हूँ। मैं इसको क्लिक करूँगा, ये सारे वो ट्वीट्स नज़र आ जाएंगे जिसमें या तो इसने विराट को टैग किया होगा, नहीं तो विराट के बारे में कुछ बोला होगा। सो ये देखें, सारी चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। थैंक्स कैप्टन विराट, नो वन वुड हैव सैक्रिफाइस देयर बैटिंग पोजीशन फॉर यू। ये सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। अगेन ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद, आज जैसे मैंने पहले भी कहा था आपसे, ग्रेटर साइन कर सकते हैं। ग्रेटर साइन करने के बाद आप इसको किसी फाइल में राइट कर सकते हैं, टीएक्सटी में राइट कर लें, जेसॉन की फाइल में राइट कर सकते हैं, जैसे आप लोगों की मर्जी, जैसे आप लोगों ने इसको यूज़ करना है वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। गैस ये तो सारी बातें हो गई कि हम एक स्पेसिफिक टारगेट को टारगेट कर रहे हैं, एक यूज़र ऐसा है जिसको हमें ऑलरेडी पता है कि उसके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए। व्हाट इफ लाइक मुझे एक जनरल ऑडियंस को टारगेट करना है कि मुझे ऐसे लोग चाहिए फॉर एग्जाम्पल ट्विटर के अंदर, या ऐसा ऑडियंस चाहिए जिसको जो इस वक्त पिज़्ज़ा के ऊपर या साइबर सिक्योरिटी के ऊपर या फिर इस वक्त जो है कोई भी ऐसा हॉट टॉपिक हो सकता है उसके ऊपर ऐसे बात कर रहे हो, मुझे वो ऑडियंस चाहिए, या फिर मुझे ऐसे इंस्टीट्यूट चाहिए जो साइबर सिक्योरिटी पढ़ाते हों, या फिर ऐसे लोग चाहिए मुझे जो साइबर सिक्योरिटी में जिनका इंटरेस्ट है मुझे, वो फॉर एग्जाम्पल ट्विटर के अंदर वो लोग चाहिए, तो मैं इसके लिए कुछ कमांड दे सकता हूँ जहाँ पर मुझे ये सारे लोगों का भी पता चल सकता है, उसके अकाउंट्स वगैरह सब पता चल जाएंगे। सो गाइस उसके लिए मुझे कमांड देना होगा, फॉर एग्जाम्पल ट्विंट डैश एस का कमांड दूंगा, यहाँ पे मैं स्विच दूंगा, और उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों ने साइबर सिक्योरिटी टाइप कर देना है। यहाँ पे इस कमांड से क्या होगा कि मुझे सब वो लोग पता चल जाएंगे जो ट्विटर के ऊपर साइबर सिक्योरिटी के डिस्कस कर रहे हैं। इस वक्त मैं एंटर करूँगा तो ये ऑल अक्रॉस द ग्लोब सब जितने भी लोग हैं वो सब की डिटेल आ जाएंगी मेरे पास, विच इज़ गोइंग टू बी ह्यूमंगस लिस्ट। तो इसको मैं इंटर करता हूँ, थोड़ी देर आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको स्टॉप कर दूँगा। इंटर करते हैं और ये देखें, ये मेरे पास इस वक्त जो मेरा कमांड लाइन है वो बिल्कुल क्रेजी हो चुकी है, बहुत ये देखें चलता रहेगा, मुझे लगता है कि फॉर एवर चलने वाला है। तो इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, गाइस स्टॉप कर देता हूँ ये, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं इसको इस डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करूँगा। मुझे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वक्त दुबई में हूँ तो दुबई के लोगों में से कोई ऐसे मुझे लोग चाहिए, या फिर मैं ऐसे दुबई के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हूँ, वहाँ के आसपास लोगों का मुझे पता करना है कि कौन कौन साइबर सिक्योरिटी के इस वक्त बात कर रहे हैं या हैकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो उसके लिए गाइस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप जो है ना maps.google.com ओपन करें, और here we go, यहाँ पे अब एक टारगेट कोई भी एक लोकेशन चूज़ कर लें। ओके तो हम लोग चूज़ करेंगे गाइस फॉर इंस्टेंस पाम जुमेरा चूज़ कर लेते हैं। पाम जुमेरा पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके पास ये उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्लिक करें इसको, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिएगा कंट्रोल ए, और उसके बाद राइट क्लिक करें इसको, और ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ से गाइस एक छोटा सा काम, यहाँ से आप यूँ कर लें कि इसको ये जो इसका कॉमा के बाद का स्पेस है वो भी ख़त्म कर लीजिएगा, क्योंकि कमांड लाइन जो टर्मिनल हमारा वो स्पेस के साथ एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैंने ये कमांड, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने कॉपी कर ली हैं, और मैं जाऊँगा टर्मिनल में अगेन, वहाँ पर कमांड दूँगा ट्विंट डैश एस अगेन, और साइबर सिक्योरिटी के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं वो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे पूरे ऑल अक्रॉस द ग्लोब नहीं चाहिए, मुझे जियो लोकेशन आपको मैं दूंगा डैश जी, और वहाँ पे उसके बाद मैं उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो मैं कॉपी कर लूँगा, फॉर इंस्टेंस ये हो गए, और उसके बाद मुझे देना है कॉमा, और उस जो जगह मैंने चूज़ की है जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने दी हैं उसके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी लोग हैं जो 5 किलोमीटर के रेंज में जितने भी लोग होंगे वो मुझे सब चाहिए, उसके सब ट्वीट चाहिए। तो मैं उसको इंटर करता हूँ गाइस, यहाँ पे मेरे पाम जुमेरा में, सॉरी गाइस 5K नहीं है, 5 KM होना चाहिए, तो मैं 5 KM के मतलब 5 किलोमीटर के रेंज में मुझे जितने भी वो लोग हैं सब सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी वाले बंदे चाहिए, क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो सब ट्वीट्स आ जाने चाहिए। हे वी गो, ये सब उन लोगों के ट्वीट्स हैं जो कि पाम जुमेरा के अंदर हैं, और पाम जुमेरा के रेडियस के 5 किलोमीटर के रेडियस में हैं उन सब के ट्वीट्स, और ये सब लोग जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इज मोर डैमेजिंग देन फिजिकल, इट्स नॉट
अ क्लाउड हैक, देयर इज़ अ प्रॉब्लम फॉर एप्पल इट्स रेपुटेशन। ये इन चीज़ों से गाइज आप लोग अब ये देखें किसने बात की है, ये भी आपके पास आ चुका है, ये बंदा बात कर रहा है तो, और ये इसका यूज़र है गाइज जो जिसने ये ट्वीट किया है। इसी तरह सेम थिंग यहाँ पे आप लोगों के पास सारे वो यूज़र्स भी आ गए जो इस वक्त साइबर सिक्योरिटी के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप लोगों को कोई काम है साइबर सिक्योरिटी के, ऐसे लोग आप लोगों को चाहिए फॉर सम रीज़न, तो आप यहाँ से वो सारी डिटेल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड देन करें उसके साथ कुछ भी जो भी आप लोग चाहते हैं। अगेन ये कोई हैक नहीं है, दिस इज़ मोर ऑफ अ डेटा स्क्रैपिंग। हम उसके जितने भी डेटा ट्विटर का है वो एक जगह पे जो है ना गैदर कर रहे हैं, दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। अगेन इट्स नॉट अ हैक, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जो है पब्लिकली अवेलेबल है, सो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सारी चीज़ें आप लोगों के पास स्पेसिफिकली चीज़ें आप यहाँ से, जिस तरह मैंने आपको जियो लोकेशन बताई, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ये आप लोगों के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। सो गाइस विद दिस आई विल रैप अप द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई। कोई इशू हो, कोई इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, जस्ट डू लेट मी नो। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मुझे, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, सब चीज़ें सब के सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगी। और ये जितने भी कमांड्स मैंने यहाँ पे दिए वो भी मैं कॉपी कर लूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोगों को ये गिटहब वगैरह अवेलेबल नहीं है व्हाट्सएप, वहाँ से भी आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो माय नेम इज़ विकास खान, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।